हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान एलडीसी का आज पेपर हुआ है, चल रहा है अभी, उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो मतलब कि फर्स्ट जो पेपर है वो मेरे को मिल चुका है, कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पेपर, और उसी का पूरा एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं कैसा पेपर था और आगे जिन दोस्तों का पेपर है उनको क्या चीज़ रीड करनी चाहिए उनके लिए मोस्टली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, ठीक है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए इसकी आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पूरे पेपर की आंसर की पीडीएफ के साथ आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरी आंसर की आपको मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं कर रखा है तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर घंटी बटन है साइड में उसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जो ही अपलोड होती है आंसर की जो भी पीडीएफ इसकी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसका करंट अफेयर वाला पार्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने करंट अफेयर की राजस्थान करंट अफेयर की वीडियोज उपलब्ध करवाई थी आपको लास्ट 6 मंथ की और एक और वीडियो, अगर उन दोनों वीडियो आपने देखी है तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प मिली है इस वीडियो इस पेपर के अंदर, ठीक है। देखिए एक यहां पे योजना से बात करते हैं, योजना जो पूछी गई है अभी का कवच बीमा योजना पूछी गई है, ठीक है। तो ये भेड़ से संबंधित योजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कस की थी योजनाओं के अंदर। और एक यहाँ पे देखिए योजनाओं का वीडियो मैंने बना दिया वो भी आप देख लीजिएगा। और एक ये पहला मेगा फूड पार्क राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया ये भी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन तो अजमेर में किया गया था ये, ठीक है। और एक भैरव सिंह शेखावत स्वरोजगार योजना ये भी हमने डिस्कस की थी, इसका जो आइटम्स होगा इसके अंदर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। तो आपका आइटम्स होगा बी वाला। फिर देखिए ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा गया कि केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य को विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी का पुरस्कार दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा राजस्थान को ही दिया गया था, तो JVNL उसको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए राजस्थान से रिलेटेड। फिर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये राजस्थान में किया गया ये भी, ठीक है। और देखिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे यहाँ पे, एक पूछा गया देखिए पिंक वॉल्वर, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको आपने नहीं देखा होगा क्वेश्चन पिंक वॉल्वर में है, वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, तो ये संबंधित है, ये देखिए जो फसल है कपास की उसी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है ये जो कीट है ये वाला, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था जो BS6 वाला, अभी दिल्ली में जो 1 अप्रैल से 2018 से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल्स लागू किया गया, तो BS6 वाला जो ऑटोमोबाइल्स मानक है वो लागू किया दिया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक मिशन ये आदित्य मिशन L1 जो है ये पूछा गया है, तो ये किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, सूर्य की जानकारी लेने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक ये पूछा गया है ये जैव मिथेन आधारित बस को किसने कंपनी ने लॉन्च किया, तो मैं भी शायद ये टाटा ने किया है, तो ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा इसको। तो ये ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे देखिए साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो साइंस जो है आप देख सकते हो, सबसे पहले हम साइंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, कंप्यूटर आप देख सकते हो इस तरह का, ये उपग्रह फोरम देखिए इस तरह का ये यहाँ पे, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा HTTP, ठीक है। ये जो वेब एड्रेस का पता होता है HTTP के थ्रू ही लगता है ये, ठीक है। और ये इस तरह देखिए फोकल लेंथ वगैरह जो लेंस वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये इससे रिलेटेड प्रिज्म वगैरह से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। MySQL ये कि कंप्यूटर का कौन सा डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे पूछे गए यहाँ पे। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा ये MS Excel है, ये इस पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर और देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे देखिए ड्राई सेल का टाइप कौन सा है, इसमें से शुष्क सेल का प्रकार, ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए, तो आप देख सकते हैं सारे पेपर को जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको PDF और इसके आंसर की आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो जिन दोस्तों का पेपर है पहले तो मोस्टली तो उनको राजस्थान की जो नॉलेज जितनी भी जो योजनाएँ हैं वो देख लीजिएगा आप, और जो जितने भी मतलब कि उसके जो मतलब कि करंट अफेयर राजस्थान की वो देख लीजिएगा आप एक बार पूरे, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। सो अभी बस इस वीडियो में बस इतना सही, अभी जो जल्दी इसके आंसर की मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सो अभी के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।